former Minister of State in the Shivraj Singh government, someone called Computer Baba, is camping along with thousands of sadhus to undertake Hatha Yoga. The campaign will be undertaken by the so-called hundreds of so-called sadhus to seek votes for the Bhopal seat candidate Digvijaya Singh as against the BJP candidate Pragya Singh Thakur. Today, Digvijaya Singh also performed a puja at the one of the college grounds in Bhopal. Hundreds of sadhus have trooped down to Bhopal to seek votes for the Congress candidate Digvijaya Singh and campaign against BJP candidate Pragya Singh Thakur. Computer Baba Urf Namdev Tyagi has said Digvijaya Singh is a true Narmada Bhakt, and they are with those who undertook Narmada Parikrama and not those who were on jail yatra. He has also claimed that 7,000 sadhus from across India will camp in Bhopal for 3 days, undertake Hatha Yoga, followed by a road show. He has also claimed that the sadhus belong to 13 akhadas. कंप्यूटर बाबा क्यों आपको लगता है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो खुद को साध्वी कहती हैं उनके साथ ये साधु खड़े नहीं होंगे बल्कि दिग्विजय जी के साथ खड़े होंगे बीजेपी के विरोध में खड़े हो रहे हैं साध्वी को तो कुछ मालूम है नहीं है उनको तो बलि का बकरा बना दिया है बीजेपी में जो हमने देखा है कि शिवराज सिंह को चुनाव लड़ना था ना भाई सामने दिग्विजय सिंह सामने किसको चुनाव लड़ना था उमा भारती ने मना कर दिया सभी ने तो मना कर दिया चुनाव लड़ने में और अब बेचारी प्रज्ञा भारती जिसको कुछ मालूम ही नहीं है जेल में थी जेल से बाहर आई और चुनाव में खड़ा कर दिया साध्वी मानते हैं नहीं मानते नहीं अब देखो जो जो इस देश के बलिदान किया जिस देश ने जिसको जिसने जिस सैनिक ने जिस अफसर ने हेमंत करकरे ने वो इस देश को बलिदान करने वाले को यदि कोई शराब दे या उसे वो दंडता का व्यवहार पैदा करे तो वो साधु नहीं हो सकता है साधु साधु हत्याकांड में नहीं साधु बम ब्लास्ट में नहीं साधु आतंकवाद के साथ नहीं साधु तो धर्म के साथ रहेगा पर आप बीजेपी कह रहे हैं बीजेपी के विरोध में हैं कुछ महीने पहले आप बीजेपी सरकार में राज्य मंत्री थे तब आपने मुझसे ही कहा था कि कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे हाँ इसीलिए कांग्रेस में शामिल नहीं हमने कहा था कि बीजेपी ने हमें मंत्री इसलिए बनाया है कि नर्मदा को अवैध खनन रोकने का पर नर्मदा में अवैध खनन नहीं रोकने दिया और अधर्म का काम करने के लिए प्रेरित किया इसलिए हम लोगों ने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस का समर्थन किया अभी क्या प्रोग्राम है इन साधुओं के साथ क्या क्या हमारे संतों का तो अब आज है नहीं कल रोड शो है और परसों हम संत समाज गांव-गांव जाएंगे तो आपको लगता है कि सारे संतों के समर्थन से दिग्विजय जी एक बड़ी जीत दर्ज कर पाएंगे भोपाल से देखो ऐसा है कि संतों का काम है धर्म की तरफ रहना हम हमारा काम है हम भजन पूजन करना और संसद में अच्छे सांसद को भेजना तो फिर ये तो पूछा ही जाएगा कि फिर संत क्यों राजनीति की तरफ नहीं राजनीति में अपना मार्गदर्शन करना संत का कर्तव्य है और संत अच्छे व्यक्ति को भेजना चाहता है क्योंकि वहाँ से संविधान चलता है वहाँ से देश चलता है देश में चलाने के लिए ये झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री मोदी जैसे नहीं चाहिए अमित शाह जैसे नहीं चाहिए वहाँ चाहिए जो धर्म से चलने वाला व्यक्ति हो ये झूठ बोलते सनातन धर्म उससे झूठ बोला राम मंदिर बनाएंगे बेवकूफ़ बना दिया सबको हम ठगे से महसूस कर रहे हैं इसलिए पूरा संत समाज बेहद नाराज है और राम मंदिर नहीं तो मोदी नहीं उस बार सबने सोच के रखा है कि राम राम ही अब की बार और बदल के रख दो चौकीदार Thank you very much for talking to NDTV Computer Baba.